हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये खूबसूरत फ्लावर्स हैं, ये जरबेरा के हैं और ये विंटर्स में खूब अच्छे से खिलते हैं, स्प्रिंग तक खिलते रहते हैं, इनफैक्ट मई जून में भी खिलते रहते हैं। और आज मैं इसकी केयर बताऊंगी कि आप फ्लावरिंग से पहले इस प्लांट की क्या केयर करें ताकि ऐसे ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिलते रहें। ये जो पिक दिखा रही हूँ, ये लास्ट ईयर मेरे जरबेरा प्लांट में फ्लावरिंग हुई थी उसकी है। और आज चलिए देखते हैं कि क्या क्या डालेंगे हम लोग अपने पॉटिंग सॉइल में और कैसे केयर करेंगे खूबसूरत फ्लावर्स लाने के लिए। ये जरबेरा के पेड़ हैं, अक्टूबर एंड होने वाला है और इसमें आज हम लोग फर्टिलाइज करेंगे इसको और इसकी केयर करेंगे ताकि जरबेरा में खूब सारे फ्लावर्स आएँ अभी आने वाले बाहरों के मौसम में। और ये तो विंटर्स में भी आ जाते हैं, तो इनकी केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी दिन से ये निगलेक्टेड है, तो इनमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऐसे विल्टेड लीव्स हैं, एक्स्ट्रा लीव्स हैं, सब लीव्स को एक्स्ट्रा को हम लोग निकाल देंगे, जो भी येलो हो रही हैं, और खींचते ही ये ऐसे निकल जाती हैं पूरी। और इनको निकालने के बाद जो भी थोड़ी ख़राब हो रही है, जैसे ये लीफ थोड़ी ख़राब हो रही है, इसको भी हम लोग निकाल देंगे ऐसे करके, ये देखिए, और इसकी क्लीनिंग करेंगे यहाँ से। देखिए ये ऐसे करके इसका क्राउन होता है और ये क्राउन अगर क्लियर ना रहे तो बहुत जल्दी यहाँ रॉटिंग शुरू हो जाती है एक्स्ट्रा वाटर से। और अगर आप इसकी लीव्स को ऐसे करते हैं तो यहाँ से ये जितनी भी डेड लीव्स दिखती हैं और जितने भी सूखी पत्ते इसमें पड़े हैं वो पूरे क्लीन करते हैं। लीव्स थोड़ी भी ख़राब हो इस टाइप की, उनको सबको निकाल देंगे हम। ये देखिए कितनी सारी हैं, येलोइंग ऑफ लीव्स है, कुछ तो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कुछ ये निगलेक्टेड पौधे हो जाते हैं। विंटर से पहले इसकी क्लीनिंग बहुत मस्त है। जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स ऐसे निकल के आ रही हैं यहाँ साइड से, इनको सबको हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। देखिए जितनी भी एक्स्ट्रा है क्राउन के पास से, ये सब क्लियर कर देंगे, जितनी भी घास है सब चीज़ निकल जाएगी। जैसे ये क्लीन हुआ है इसको भी ऐसे ही क्लीन करेंगे। ये देखिए ये वाला गमला भी बहुत, यहाँ देखिए कितना डर्टी हो रहा है, इसको पूरे को क्लीन करेंगे। एक्स्ट्रा जितनी भी इसमें वॉन्डरिंग जू भी आ गया है, ये देखिए एक बारिश होके चुकी है, एक यहाँ पर स्लग एंड स्नेल्स दिख रहे हैं, तो ये अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अंदर इस पत्तों को सबको खा जाएंगे। और ये जितने भी सूखे पत्ते हैं ये दिख रहे हैं आपको, ये वाले इनकी स्टेम सूख गई है, इनको सबको क्लीन करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका क्राउन एरिया क्लीन हो, क्योंकि ये यहीं से ही ग्रोथ करता है और यहीं से ही इसकी स्टॉक्स निकलती हैं फ्लावरिंग की। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तब भी ये राइट टाइम है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, दिखाती हूँ मैं। जैसे ये वाला पॉट मैंने पूरा निकाला था क्योंकि ये रूट बाउंड हो चुका था, इसको करे हुए हो गया करीब 15-20 दिन हो गए, तो इसको निकाल के पूरा रूट्स को क्लीन करके प्रून करके फिर इसको लगाया था। अब इसमें नई शूट्स आने लगी हैं, इसमें ब्रीदिंग की स्पेस नहीं रही थी एकदम भी रूट्स के लिए, अब ये नई ग्रोथ आ रही है। तो अगर आपका भी प्लांट रूट बाउंड हो चुका है या डिवाइड करना चाहते हैं, ये राइट टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। अब ये मैंने क्लीन कर दिया है, ये वाला पॉट क्लीन्ड है। ऐसे ही अब जरबेरा के सारे प्लांट्स मैंने हेल्दी लीव्स छोड़ दिए हैं और जितने भी खराब लीव्स थी उनको सबको मैंने कट कर दिया है, आप कैंची से भी काट सकते हैं। ये देखिए इसमें जितनी भी लीव्स हैं इनको यहाँ क्राउन के पास से एकदम कट कर दें। अब करने के बाद, क्लीन करने के बाद, ये देखिए काफ़ी क्लीन हो गया है और इसकी वेल ड्रेनिंग सॉयल है ये,
और इसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र डालना बहुत मस्ट है। ये मैंने इसको बेस्ट फ्लावरिंग के लिए ये कुछ फर्टिलाइज़र लिया है जो कि इनके लिए हर तरह से हेल्पफुल होंगे। कॉम्बिनेशन जब फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं तो उससे एडवांटेज ये होता है कि जो जो न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए एनपीके के अलावा वो भी इसको मिल जाते हैं। तो ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट है ये, और ये मैंने लिया है बोन मील, और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा जो एनपीके के अलावा भी हमको ज़रूरत है, और बोन मील इसको हेल्प करेगा फ्लावरिंग में। तो इसको सबको हम लोग अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब इनका सीज़न आने वाला है, अब इनकी ग्रोथ अच्छी हो जानी चाहिए, स्पेशली इसकी रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए ताकि हेल्दी प्लांट हो। अब बस ये हम लोग इसको ऐसे करके साइड से डालेंगे। ये 3-4 टीस्पून हम लोग इसमें डाल देंगे, यहाँ से घुमा के, यहाँ से भी, ये ऐसे करके यहाँ, बस इतना बहुत है। और कोने कोने में हम लोग ने डाल दिया है। अब इसको साइड से हम लोग वाटर कर देंगे, यहाँ से हम लोग वाटरिंग कर देंगे ताकि इसमें चारों तरफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। अब इसकी नेक्स्ट वाटरिंग तभी करेंगे जब ये टॉबलेट ड्राई हो जाएगा। और ये वाले पॉट को अभी मैं फर्टिलाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये तो मैंने अभी पॉटिंग सॉइल एकदम नई लेके, फ्रेश लेके, न्यूट्रिएंट्स वाली ये अभी किया था। तो ये और जब थोड़ा ग्रोथ हो जाएगी इसकी, इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। तो ऐसे ही अब ये जितने भी आपके प्लांट्स हैं जरबेरा के, सबको आप फर्टिलाइज़ कर दीजिए ताकि आपके जरबेरा में खूब अच्छे फ्लावर्स आए आने वाले मौसम में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।